हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर पुलिस रहेगी सख्त, सोजत पुलिस उप अधीक्षक जाखड़। सोजत रोड पुलिस थाने में कोविड गाइडलाइन की पालना को लेकर प्रशासन की ओर से सोजत सर्कल के पुलिस थानों में सोजत उपखंड अधिकारी गोपाल जांगेट, पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ ने सोजत रोड, बगड़ी नगर, सिरियारी, शिवपुरा सहित थानों में CLG की बैठक लेकर कस्बे वासियों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए आह्वान किया गया। आम जन को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील की गई। वहीं CLG सदस्यों व पुलिस मित्रों की बैठक लेकर आम जन को कोविड गाइडलाइंस की पालना करवाने व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने में सहयोग करवाने की बात कही। वहीं सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ ने सभी थाना अधिकारी को निर्देशित किए कि जो भी दुकानदार व ग्राहक बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखे उनके चालान काटे जाएं। वहीं ये भी कहा कि अब पुलिस प्रशासन कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आएगा। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए सोजत DYSP डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ इन्होंने ये कहा। यहाँ उपस्थित लोगों में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसका कोई प्रियजन, मित्र है या रिश्तेदार है जिसको उसने खोया नहीं। अभी तीसरी लहर ओमिक्रॉन के नाम से आई है। आप सभी लोगों को मालूम है कि हर लहर में कुछ और चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन एक चीज अनिवार्य है जो तीनों लहरों में रही है, वो ये है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये दोनों अनिवार्य चीजें हैं। पहले लहर के अंदर हम लोग ICU वेंटिलेटर की तलाश में थे, सेकंड लहर में हम ऑक्सीजन की तलाश में थे और तीसरी लहर में अभी ऐसी कोई विशेष चीज पता नहीं चली है, लेकिन ये है कि सब लोग मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें तो ओमिक्रॉन का वेरिएंट फैलता नहीं। मैं कंफर्म तो नहीं कहता हूँ, लेकिन शायद मैंने कहीं पढ़ा है कि ओमिक्रॉन का जो वेरियंट है वो 35 लोगों को इन्फेक्टेड करता है। तो सर ये सबसे ज्यादा है, इसका अफेक्टिंग जोन जो है। पिछले दो कोरोना काल मैंने आप लोगों के बीच में ही गुजारे हैं, तो आप सब लोगों का जो मुझे भरपूर सहयोग मिला उसका मैं तहे दिल आभारी और शुक्रिया अदा करता हूं। और आप लोगों के साथ रहते हुए मुझे इतना विश्वास हो गया है कि हम लोग सबसे एडवांस रहे हैं, चाहे वो प्रोटोकॉल में हो चाहे बंदोबस्त में हो, तो वो सहयोग अभी भी आपका हमें मिलता रहेगा। और हम सब लोग मजबूती से डटे रहे तो तीसरी लहर आएगी ही नहीं, चाहे कहीं का आसपास में घूमती रहे, लेकिन सोजत और मारवाड़ उपखंड में हम नहीं घुसने देंगे। जागरूक टीवी की सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।